हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग वेल एंड डूइंग फाइन। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जा तो आ नहीं सकते हो, पर पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है आपने। ओके फ्रेंड्स, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है। ओके, वेदर यू आर गिविंग ईपीएफओ, ईपीएफओ में तो सोशल सिक्योरिटी का एक पूरा सिलेबस में अलग से आपको प्रोवाइडेड है। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ऑल स्टेट सर्विसेज जो हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट सर्विस का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कुछ सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं जो हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एंड इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एरिया आता है, दैट इज़ द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। एंड उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था कॉल्ड द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। सो इस एक्ट को डिस्कस करेंगे हम, बेसिकली दो पार्ट्स में इस एक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दिस विल बी द पार्ट वन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिविल सर्विसेज वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मेंस वाला एस्पेक्ट भी इसमें कवर हो जाएगा। ओके चलो, तो शुरू करते हैं। इसमें हमने टॉपिक कौन से डिस्कस करने हैं वो आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी क्वेरी होती है आपको, तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9041244689 पर, या फिर मेल कीजिए sikshit@gmail.com पर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, तो ज़्यादा बेटर वे में आप की जो क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी। कॉल टाइम हम सेट करेंगे, वंस यू व्हाट्सएप द मैसेज आप क्वेरी मैसेज कीजिए। अगर क्वेरी व्हाट्सएप पे नहीं रिजॉल्व हो पाएगी तो हम अपने आप कॉल का आपको टाइम देंगे। ठीक है, सुबह 8 बजे या रात को 10 बजे फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बच्चे नहीं हो पाती हैं बात इस टाइम पर। सुबह 8 बजे फ़ोन आ जाता है, 7 बजे फ़ोन आ जाता है, मुश्किल हो जाता है उस टाइम पर बात कर पाना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस करेंगे? प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर, वेलफेयर मेजर्स बाय गवर्नमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर्स, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर। तो इन सब एरिया से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं आपके एक्ट के अंदर वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन से। तो सीधा सीधा एक्ट में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन फॉलोइंग ग्राउंड्स से रिलेटेड। ठीक है, आप किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को डिनाई नहीं कर सकते या डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते उसकी स्टडीज़, या उसको अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट में। आपको उसको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, जैसा ट्रीटमेंट आप बाकी के बच्चों को दे रहे हैं, बाकी के सेक्सेस को दे रहे हैं, वैसा ही ट्रीटमेंट आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सन को भी देना है। फॉर एग्जाम्पल, यू वर अनअवेयर बाय द ट्रांसजेंडर स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको वो स्टेटस क्लियर हुआ तो आप उसको, उसकी जो स्टडीज़ हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिसकंटिन्यू कर दोगे। दिस कैन नॉट बी द केस। ओके, अनफेयर ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके यहाँ पर एम्प्लॉई है एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, तो आप उसको अनफेयरली ट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, डिनाइल ऑफ जॉब नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज ही इज अ ट्रांसजेंडर। ओके, जस्ट बिकॉज ही और शी इज अ ट्रांसजेंडर। देखो मैं ही और शी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अ ट्रांसजेंडर पर्सन कैन ऑल्सो यूज ही और शी विद इट, इट विल बी हिज और हर प्रेफरेंस। और अगर वो ना यूज करना चाहे तो भी जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। द डिनाइल और डिसकंटिन्यूएशन और अनफेयर ट्रीटमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज में किसी तरह का डिनाइल या आप अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई भी प्रोसेस है विच इज रिलेटेड टू यू नो इंजॉयमेंट ऑफ यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड, एकोमोडेशन से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड, किसी फैसिलिटी से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड, प्रिविलेज से रिलेटेड या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, जो जनरली सबके लिए अवेलेबल है, तो आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सन को भी वो चीज़ें डिनाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ अकोमोडेशन विच इज अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, सो यू कैन नॉट डिनाई समवन दैट पर्टिकुलर अकोमोडेशन जस्ट बिकॉज वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है। तो ये बहुत सिंपल प्रोविजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट को कवर कर लिया, एम्प्लॉयमेंट को कवर कर लिया, हेल्थ केयर सर्विसेज को कवर कर लिया, जनरल सर्विसेज, गुड्स एकोमोडेशन को कवर कर लिया, राइट ऑफ मूवमेंट, यू कैन नॉट डिनाई अ पर्टिकुलर पर्सन द राइट ऑफ मूवमेंट। ओके,
राइट टू रिसाइड, कहीं पर भी रिसाइड कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, आज से अगर आप 20 साल 25 साल पहले चले जाओ, 20 साल 25 साल पहले क्या, अभी भी बहुत सी जगहों पर ये होता है कि अ ट्रांसजेंडर पर्सन कैन रिसाइड ओनली एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, जनरली जो जनरल प्लेसेस होती हैं वहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को नहीं रहने देते हैं कि आपके लिए स्पेशल एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गलत हैं एक्ट के हिसाब से। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एक तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में। ऊपर से कई बार क्या होता है, जैसे जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं, जब आप मेंस के आंसर लिखते हो तो एक ब्रॉडर व्यू आपके पास आ जाता है। ठीक है, अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप रेफरेंस लेकर के डायरेक्टली पुट कर सकते हो कि एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस हैं भैया। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड फॉर और होल्ड पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस के जो भी इलेक्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एमएलए के एमपी के इलेक्शन लड़ने हैं तो उसके लिए आप खड़े हो सकते हो इलेक्शन में। कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता जस्ट बिकॉज फ्रॉम यू आर फ्रॉम अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते या पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। नाउ यू आर गिविंग द एग्जाम फॉर ईपीएफओ और सिविल सर्विसेज, इफ़ यू आर फ्रॉम अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यू हैव द इक्वल राइट कि आप सिविल सर्विसेज का पेपर दो, आप ईपीएफओ का पेपर दो, कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता है। कोई प्राइवेट ऑफिस में भी आपको डिनाई नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज यू आर अ ट्रांसजेंडर। ऑलराइट, उसके बाद द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू रिमूवल फ्रॉम और अनफेयर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट या किसी भी तरह की डिनाइल ऑफ सर्विस या एक्सेस, आपको पर्टिकुलर ऑफिस का एक्सेस नहीं दिया जाता कि आप इस ऑफिस में नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो इलीगल अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। ऑलराइट, नाउ रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर, द सेकेंड चैप्टर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट इज, तो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एक मिलेगा। तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो एप्लीकेशन किसको सबमिट करेंगे फॉर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो है एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी फॉर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। अगर कोई माइनर चाइल्ड है, ओके, देन माइनर चाइल्ड के केस में एप्लीकेशन कौन सबमिट करेगा, पेरेंट या फिर गार्डियन, पेरेंट या फिर गार्डियन जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। एंड इफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड एंड इफ द एप्लीकेशन इज फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स जो भी सेट किए हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, सो उस केस में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी जो है उस पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर पर्सन को इशू कर देंगे। ऑलराइट, अगर चेंज इन जेंडर होता है, फॉर एग्जाम्पल जो सर्टिफिकेट है वो पहले इशू करा लिया एक पर्सन ने, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर। नाउ अगर अब वो ट्रांसजेंडर पर्सन अंडरगोज अ सर्जरी अपना जेंडर चेंज करने के लिए, ओके, ही और शी इधर बिकम्स अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन, उन्होंने सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया और मेल और फीमेल सेक्स उन्होंने जो भी उनकी चॉइस है वो अडॉप्ट कर लिया, तो फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्जरी करा रहे हैं दे विल मेक अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, दे विल मेक अ न्यू एप्लीकेशन और इस वाले एप्लीकेशन में जो सर्टिफिकेट होना चाहिए अबाउट द सर्जरी, जिसको जहाँ से उन्होंने सर्जरी कराई है उस हॉस्पिटल का या उस सेंटर का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा या चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वो सर्टिफिकेट उनको देगा, और एप्लीकेशन में जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको वो सर्टिफिकेट लगाना होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। नाउ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस केस में रिवाइज्ड सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगा, ओके। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियरली इस एक्ट के अंदर लिख दी गई है कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, इफ़ देर इज़ अ चेंज इन जेंडर ऑल्सो, ठीक है, एक नया रिवाइज्ड सर्टिफिकेट भी इशू हो गया है, फिर भी जो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स हैं इस पर्सन के जो इस एक्ट के अंडर मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते नाउ कि वो अब ट्रांसजेंडर नहीं है, मेल हैं या फीमेल हैं, सो ही विल नॉट गेट द बेनिफिट्स अंडर दिस एक्ट। नो, इफ अर्लियर ही और शी वॉज अ ट्रांसजेंडर, ओके, बट नाउ उन्होंने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करा के दे हैव अडॉप्टेड अ पर्टिकुलर जेंडर, तब भी उनको बेनिफिट्स जो हैं इस एक्ट के अंडर मिलते रहेंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इस तरह की स्टेटमेंट्स सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में स्पेसिफिकली आ सकती है, ओके। चलिए, उसके बाद वेलफेयर मेजर्स जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने हैं जो स्पेसिफिकली मैंशनड हैं इस एक्ट के प्रोविजन्स में, सबसे पहले टेक स्टेप टू सिक्योर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी। ठीक है,
पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ट्रांसजेंडर पर्सन की, ताकि सोसाइटी को इंक्लूसिव बना सके, विच कैन यू नो इंक्लूड दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑल्सो. प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, जो भी आप वेलफेयर स्कीम्स बना रहे हो उनका एक्सेस जो है वो ट्रांसजेंडर पीपल को भी मिलना चाहिए. ऑल राइट, वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसजेंडर शुड बी मेड. ट्रांसजेंडर सेंसिटिव स्कीम्स आपको बनानी है, ठीक है. जो स्कीम ऐसी जो वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट बना रही है दैट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. वो ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए या स्टिग्मेटाइजिंग नहीं होनी चाहिए. रेस्क्यू प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन. ऑल राइट, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स. जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो दे रहा है या जो वेरियस एक्ट्स जो राइट्स दे रहे हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी मिलने चाहिए. और जो सरकार है उनको काम करना चाहिए टू बेट यू नो फॉर सो दैट दीज पीपल कैन यू नो बेटर पार्टिसिपेट इन द कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. सो ये सारे प्रोविजन जो है डायरेक्टली मैंशनड हैं आपके इस एक्ट के अंडर. ओके, उसके अलावा कुछ ऑब्लिगेशन जो है इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर भी लगाई गई है. जैसे कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर पर्सन. ओके, चाहे वो मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट है, रिक्रूटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, और भी जो इश्यूज हैं, तो इन इश्यूज में द एम्प्लॉयर कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. ओके, ही कैन नॉट स्टॉप, द एम्प्लॉयर कैन नॉट स्टॉप द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय जस्ट बिकॉज that person is from a transgender community. Okay, so this cannot be done. That will be illegal as per this act. Grievance redressal mechanism, जो establishments हैं उनको grievance redressal mechanism भी एक establish करना पड़ेगा. हर establishment को एक person को designate करना पड़ेगा as a complaint officer, जो deal करेगा जो भी complaints होंगी, जो भी violations report किए जाएंगे जो इस act के against है, ठीक है. स्पेसिफिकली जिन इंडस्ट्रीज में, जिन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसजेंडर पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड. ऑल राइट, राइट ऑफ रेजिडेंस. पहले आपने कहीं मूवीज में भी देखा होगा कि अगर किसी के घर में चाइल्ड वॉज बॉर्न हु वॉज अ ट्रांसजेंडर, तो क्या होता था, लोग उनको ले जाते थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ उनको नहीं रहने देते थे बच्चों को. सो द एक्ट इज क्लियरली सेइंग कि नो चाइल्ड शॉल बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली. आप बच्चे को अलग नहीं कर सकते हो अपने माँ बाप से या अपनी इमीडिएट फैमिली से जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. ओके, अंटिल एंड अनलेस कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है ऐसा ऑर्डर पास करे इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. अगर कोर्ट ऑर्डर पास कर दे कि येस यू हैव टू सेपरेट दिस चाइल्ड और यू हैव टू कीप दिस चाइल्ड इन सम स्पेशल केयर और इन सम फॉस्टर केयर, तभी आप वैसा कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते अपने परिवार से या अपने पेरेंट्स से. वेरी क्लियरली इट हैज बीन सेड ओवर हियर. ओके, देन एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनसे रिलेटेड भी कुछ प्रोविजन है. एजुकेशन से रिलेटेड क्या है कि अगर कोई भी स्कूल है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कॉलेज है विच हैज बीन रिकोगनाइज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज लाइक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. जब हम वेरियस एक्ट्स पढ़ते हैं तो यही ज्यादातर टर्म जो है यूज होती है. लॉ में भी हमने देखा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर रिकॉग्निशन मिली हुई है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से मिली हुई है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई है, तो उस केस में जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, दैट इंस्टीट्यूशन हैज टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी. चाहे वो अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज है, लेजर एक्टिविटीज है, तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल बेसिस पे. ओके, ऑलराइट. नाउ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, इट हैज ऑल्सो टू फॉर्मुलेट वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम सो दैट लाइवलीहुड सपोर्ट किया जा सके ट्रांसजेंडर पर्सन का. वोकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि दे कैन ऑल्सो गो फॉर सम यू नो गुड जॉब्स और दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट्स. ओके, लीडिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. नाउ हेल्थ केयर. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दैट इज वंस अगेन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, विल हैव टू टेक फॉलोइंग मेजर्स रिलेटेड टू हेल्थ. सबसे पहले तो सेपरेट ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस योर HIV सेरो सर्विलेंस सेंटर्स. तो सेपरेट HIV सेरो सर्विलेंस सेंटर्स जो है वो इस्टैब्लिश करने होंगे for transgender people, and these centers will be established in accordance with the guidelines that are issued by your national AIDS control organization. So separate HIV सेरो सर्विलेंस सेंटर्स सेट करने होंगे सरकार को. बहुत क्लियरली ये मैंशनड है
और इस तरह के पॉइंट्स पेपर में पूछे जाते हैं। मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होगी विच इंक्लूड्स सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी, बिफोर एंड आफ्टर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी एंड हार्मोनल थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस का अरेंजमेंट होना होगा। मेडिकल करिकुलम जो इंडिया के अंदर है अभी उसको रिव्यू करें ताकि जो डॉक्टर्स हैं दे कैन ऑल्सो गो फॉर द रिसर्च जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज हैं इस कम्युनिटी से रिलेटेड उनके लिए काम किया जा सके। ठीक है, तो मेडिकल करिकुलम में भी रिफॉर्म जो है सरकार को लाने की जरूरत है। ऑलराइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ केयर। ओके, उसके अलावा द गवर्नमेंट हैज टू फैसिलिटेट एक्सेस टू ट्रांसजेंडर पर्सन इन हॉस्पिटल एंड अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड सेंटर्स। तो जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड सेंटर्स हैं दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर सर्विसेज, प्रॉपर एक्सेस टू ट्रांसजेंडर पीपल, प्रोविजन फॉर कवरेज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस स्कीम। अभी अगर आप देखो जो इंश्योरेंस सेक्टर है दैट इज वेरी बायस्ड टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, देर आर नो प्रॉपर इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो इस चीज को भी सॉल्व करने की जरूरत है एंड गवर्नमेंट हैज टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर इंप्रूविंग दिस सिचुएशन, जो एक्ट में सीधा सीधा लिखा गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए, ओके, सो गाइस पार्ट वन में इतना ही करेंगे। अब इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू देखेंगे, उसमें नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पीपल और बाकी के प्रोविजंस जो हैं वो कवर करेंगे। अल्टीमेटली आपका ये एक्ट जो है सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगर इस एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होगा, वेदर इट इज वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, हर एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा काम ये आने वाला है। ओके, चलिए, एंड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।